गलियारों में हमेशा ही देखने को मिलता है कि सेलिब्रिटी जहां एक ओर अपने प्रोफेशनल वर्क को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं, तो वहीं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सेलिब्रिटीज आए दिन मुंबई में कहीं ना कहीं स्पॉट किए जाते हैं। वहीं अपने इंटरव्यूज में अपने दिल की बात खुलकर शेयर करते हुए भी नजर आते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसे कपल्स हैं जो मशहूर हैं अपनी लव स्टोरी के लिए। जब जब फिल्म इंडस्ट्री में बातचीत की जाती है सेलिब्रिटीज़ की लव लाइफ के बारे में, इस लिस्ट में टॉप पर नाम आता है बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और हीमेन धर्मेंद्र का। जी हाँ, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि हेमा धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी है धर्मेंद्र की प्रकाश कौर। साल 1954 में धर्मेंद्र प्रकाश कौर के साथ शादी के बंधन में बंधे थे। धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के 4 बच्चे हैं। 2 बेटे हैं सनी देओल और बॉबी देओल और 2 बेटियां हैं अजयता और विजयता। लेकिन इसके बावजूद धर्मेंद्र शादी के बंधन में बंधे हेमा मालिनी के साथ, और उस दौरान धर्मेंद्र और हेमा मालिनी काफी ज्यादा विवादों का सामना भी किए थे। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो धर्मेंद्र अपने दोनों ही परिवार को काफी अच्छे से संभालते हुए देखे जा रहे हैं। अपनी पहली पत्नी को धर्मेंद्र ने तलाक दिए बिना ही हेमा मालिनी के साथ शादी रचाई, और आज हेमा और धर्मेंद्र की 2 बेटियां हैं ईशा देओल और अहाना देओल। दोनों ही अपनी मैरिड लाइफ को बेहद खुशहाल और आलीशान तरीके से बिता रही हैं। इसी बीच देखा जाए तो अक्सर खबरें आती रहती हैं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को लेकर। दोनों के रिश्ते से जुड़े ऐसे कई राज हैं जो आज भी चर्चा का विषय बनते हुए देखे जाते हैं। हमारे इस प्रोग्राम के जरिए आज हम फिर से बात करेंगे हेमा और धर्मेंद्र के रिश्ते के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशि राठौर। वेल दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज का दिन ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के लिए बहुत ही खास है। दरअसल आज हेमा मालिनी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। 73 ईयर्स की हो चुकी हैं हेमा, और आज के दिन उन्हें लगातार शुभकामना संदेश मिल रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैंस लगातार उन्हें बर्थडे विश करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो हेमा की जिंदगी से जुड़े हुए पुराने किस्से भी वायरल हो रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए हम बात करने जा रहे हैं हेमा और धर्मेंद्र के रिश्ते से जुड़े एक और सच के बारे में। देखिए ये रिपोर्ट। बीटाउन के गलियारों में जब भी सेलिब्रिटीज की लव लाइफ पर बात होती है, इस लिस्ट में टॉप पर नाम आता है सुपरस्टार धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का। ये प्यारी सी जोड़ी हमेशा ही एक दूसरे पर प्यार बरसाती हुई देखी जाती है। हेमा और धर्मेंद्र की प्यारी सी बॉन्डिंग, हेमा और धर्मेंद्र का ये प्यार भरा रिश्ता जग जाहिर रहा है। हेमा और धर्मेंद्र हमेशा ही एक दूसरे पर प्यार बरसाते हुए नजर आते हैं। तमाम मुश्किलों का सामना करने के बाद हेमा और धर्मेंद्र शादी के बंधन में बंधे थे। साल 1980 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी शादी के बंधन में बंधे थे। 19 साल की उम्र में धर्मेंद्र प्रकाश कौर के साथ शादी के बंधन में बंधे थे। साल 1954 में दोनों ही अरेंज मैरिज किए थे। वहीं जब धर्मेंद्र की जिंदगी में ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की एंट्री हुई, तो धर्मेंद्र हेमा को अपना दिल दे बैठे और उन्होंने फैसला कर लिया हेमा के साथ शादी के बंधन में बंधने का। वहीं धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक नहीं दिया, उन्होंने धर्म बदल लिया और हेमा के साथ शादी कर ली। और आज के समय में धर्मेंद्र अपनी दोनों ही पत्नियों का खास ख्याल रखते हैं। अपने
परिवार का बखूबी ख्याल रखते हुए नजर आते हैं और ये अंदाज वाकई में हर किसी के दिल को जीत लेता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि धर्मेंद्र से शादी के बाद हेमा मालिनी कुछ मुश्किलों का सामना भी की थी। एक वक्त ऐसा भी आया था जब बॉलीवुड की गलियारों में उनके पति यानी कि सुपरस्टार धर्मेंद्र के अफेयर की चर्चा जोरों शोरों से होने लगी थी। दरअसल उस दौरान हेमा मालिनी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और उन्होंने गुस्से में धर्मेंद्र से कुछ ऐसा भी कहा था जिसके बाद धर्मेंद्र भी थोड़ा सा डर गए थे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर धर्मेंद्र के अफेयर के बारे में। 80 के दशक में जब अभिनेत्री अनीता राज ने हर किसी को दीवाना कर रखा था अपनी अदाओं के जरिए, अपनी फिटनेस के जरिए, अपनी खूबसूरती के जरिए। अनीता राज के साथ धर्मेंद्र का नाम जुड़ा था 80 के दशक में। अनीता राज धर्मेंद्र से 27 साल छोटी हैं। इतना ही नहीं, उन दिनों दोनों के अफेयर की चर्चाएं काफी हुआ करती थी। धर्मेंद्र और अनीता राज ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया था। पर्दे पर दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया जाने लगा था। वहीं दूसरी ही तरफ रियल लाइफ में दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त भी बन गए थे। जी हाँ, अनीता और धर्मेंद्र काफी अच्छी बॉन्डिंग शेयर किया करते थे और उस वक्त धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम बन चुके थे। अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अनीता राज को कई फिल्मों में काम भी दिलाया और धीरे धीरे बॉलीवुड के गलियारों में दोनों की अफेयर की खबरें भी फैलने लगी। जी हाँ, खबरें फैलने लगी कि दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। जैसे ही हेमा मालिनी ने ये खबर सुनी, उन्हें बहुत ही बड़ा धक्का लगा, लेकिन उन्होंने कोई भी विवाद नहीं फैलाया। उन्होंने बहुत ही समझदारी से फैसला लिया। कहा जाता है कि हेमा ने धर्मेंद्र से उस वक्त साफ तौर पर कह दिया था, जितनी जल्दी हो इस तरह की बातें होना बंद हो जानी चाहिए और पत्नी के इस तरह के बर्ताव को देखने के बाद धर्मेंद्र ने अनीता राज से दूरी बना ली। वहीं अनीता भी धर्मेंद्र से दूरी बनाती हुई नजर आई। आज के समय में अनीता राज अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश हैं। वहीं दूसरी ही तरफ धर्मेंद्र भी अपनी शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल तरीके से बिता रहे हैं। बता दें आपको कि आज दिग्गज अभिनेत्री अनीता राज के एक बेटा भी है। वहीं हाल ही में ये दोनों ही स्टार्स नजर आए थे टीवी रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 12 के मंच पर। उस दौरान दोनों ही काफी मस्ती करते हुए नजर आए थे और उस दौरान की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। वेल, इस तरह से धर्मेंद्र और हेमा के रिश्ते के बीच दरार आती हुई नजर आई थी जब अनीता राज उनकी जिंदगी में एंट्री की थी। लेकिन धर्मेंद्र और हेमा आज बेहद खुश हैं और बहुत ही आलीशान जिंदगी बिता रहे हैं एक दूसरे के साथ। इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा जाना किस तरह से धर्मेंद्र अपने अफेयर के चलते काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गए थे और उनके अफेयर की खबरों से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी उनकी पत्नी हेमा मालिनी। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो धर्मेंद्र अपने दोनों ही परिवार को काफी अच्छे से संभाल रहे हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी वाकई में हमेशा ही फैंस को दीवाना करती हुई नजर आई है। आप क्या कहते हैं हेमा और धर्मेंद्र के बारे में, या बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले हमारी पूरी टीम की तरफ से हेमा मालिनी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।